भैया बहनों, सुनो सुनो मेरे भाइयों बहनों, सुनो ये नई कहानी, नई रामायण नई महाभारत कथा, ये भारत की ताप। भैया भैया, एक गांव था नाम हरिपुर, एक गांव था नाम हरिपुर, अकाल से जो ग्रस्त सदा, उसी गांव में कजली नाम की एक लड़की का जन्म हुआ। थैया थैया तात थे। बचपन बीता आई जवानी, बचपन बीता आई जवानी, इसका तब एहसास हुआ, 15 वर्ष की आयु में जब कजली का शुभ विवाह हुआ। तैया तैया तात थे। मोतीपुर के मुखिया के बेटे से उसकी शादी हुई। अच्छा? मोतीपुर के मुखिया के बेटे से उसकी शादी हुई, नाम था उसका रतवा राठौड़। वाह, अरे नाम था उसका रतवा राठौड़। लो कजली ससुराल चली, भई लो कजली ससुराल चली, लो कजली ससुराल चली। थैया थैया तात थे, ता ता थैया थैया तात थे, ता ता थैया थैया तात थे। शर्मा रही हो मुझसे? नहीं, डर लग रहा है। डरो मत, मैं कुछ नहीं कर सकता। जी? कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ नहीं। पिता के आंगन से निकली तो पति की चार दीवारी, व्यर्थ बने आकाश के सपने। रतवा शाम के वक्त सो मत। रतवा ए उठ, गेहूं ले ले, वजन कर ले। सोने दो। अरे ये मैं मर जाऊं ना फिर भी सोता रहेगा। चुप बैठ अब। सरिता को बोल। तुझे कहा है तो तू नहीं करेगा क्या? इसे कह के कोई फायदा नहीं है। कितना है? 2 किलो। रखो जाओ, तेरे कहने से इसकी शादी करवाई। तू कहती थी सुधरेगा, ये वैसा का वैसा ही है। उसका कोई दुख होगा? हाँ दुख, सुबह से शाम तक चारपाई पर लेटा रहता है, सिर्फ दुख देना जानता है। अरे आप समझते नहीं हैं, सरिता दूसरी बार पेट से है। अब इसकी शादी को इतने साल हो गए फिर भी कजली की गोद नहीं भरी, उसका दुख नहीं होता होगा उसे? मैंने कहा था उसे परिवार नियोजन करने। आपने नहीं कहा था, पता है मुझे, फिर भी शांति से उससे बात कर लीजिए ना, शायद कजली की जिद होगी। उठा उठा, बात करते हैं। रतवा बेटे, रतवा उठो, देख तेरे बापू आए, बात कर ले उसे। अरे उठना, ऐसी कोई बात नहीं है जो पूरा गांव जान जाए। क्या है? सुन, तुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ, इसका दुख है? अब नियोजन बंद कर दे, कजली से बात कर, वो समझदार है। मैं कोई नियोजन नहीं किया। तो क्या होगी कोई कमी उसमें? देख देख, इससे कोई बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ तू कजली से बात कर या फिर सरिता से। सरिता से मैं बात नहीं करूंगी, मैं कजली से बात करूंगी। कजली बेटी, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती थी। अरे बोल तो सही, सब कुछ ठीक है तेरे साथ? हाँ ठीक ही है। तो अच्छी बात है, कल हम हलोल अस्पताल जाएंगे और डॉक्टर निको दिखाएंगे। हाँ नहीं, क्यों? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती, लेकिन मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। अरे रतवा का जरा भी ख्याल नहीं है तुझे, कितना तड़पता है वो औलाद के लिए, और तू है कि जांच भी नहीं करवा सकती। देख कजली, उस जमाने में ये डॉक्टर ये जांच ये सब नहीं हुआ करता था, भांज का नाम देकर पूरा गांव उसे दोषी ठहराता था, लेकिन अब ये सब नहीं है। जिद मत कर, हम कल चलते हैं। नहीं, अरे रतवा को भी साथ ले लेंगे। कहा ना नहीं, और वैसे भी कल से कटाई शुरू करनी है। तो मर ऐसे ही, मैं तो तेरा भला चाहती थी। मेरा भला मुझे पे छोड़ दो। ए, क्या बात कर रही है तू?
रतवा, तू ही संभाल अपनी रानी को, तूने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। इस मामले में मैं दखल अंदाजी नहीं करने वाली, समझी तू? अब तू और तेरा नसीब। क्यों झगड़ रही थी उसके साथ, बोलना है। मैं झगड़ नहीं रही थी, मैंने सिर्फ डॉक्टरनी के पास जाने से इनकार कर दिया। पता है तुझे मुझ में कोई दोष नहीं है, ये बात साबित हो गई तो क्या? तो क्या सबको पता चल जाएगा कि मैं नामर्द हूँ, कमी मुझ में है? तुझे तो बहुत खुशी होगी। नहीं, बात अगर मेरी खुशी की होती तो मैं डॉक्टरनी के पास जाने से मना नहीं करती। तो क्या करूं मैं, माँ बापू भी दिन भर तंग करते रहते। तो क्यों बैठा रहता है दिन भर घर में, कुछ काम क्यों नहीं करता, किसी दूसरे काम में मन लगा ले। तेरी तरह? हाँ, मेरी तरह। कोशिश करूंगा। कुछ नहीं करेगा तू, मुझे पता है। एक काम करेगा? क्या? मुझे पढ़ना है। इस उम्र में तो स्कूल जाएगी। स्कूल जाने की क्या जरूरत है, लोग घर घर आके पढ़ाते हैं, साक्षरता अभियान जो चल रहा है। और पढ़ लिख कर क्या डॉक्टर नहीं बनेगी, मेरा इलाज करेगी? अपना नाम खुद लिख पाई तो भी बहुत है, फिर घर का काम कौन करेगा? मैं दोपहर को पढ़ा करूंगी ना, हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं, सरिता भी अपना नाम लिखना जानती है, मुझे पढ़ने दे। नहीं। क्यों, डर रहा है? चुप बैठ, रोटी ला मेरे लिए। लेकिन सुन तो सही। बोला ना, चुप बैठ। बस यही कर सकता है तू, चुप बैठ, रोटी ला, पानी दे। कभी मेरे बारे में सोचा है? एक बार सोच, मेरा क्या दोष है इसमें, दिन तो निकल जाता है पर रात नहीं कटती, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मुझे जवाब ढूंढने थे, उन सीधे साधे सवालों के जवाब जो ढूंढने पर भी ना मिलते। ये भारत क्या है, हलोल के बस अड्डे से जाने वाली बसें कहाँ जाती हैं? भारत में हर गांव में सूखा पड़ता है तो लोग वहां कुएं क्यों नहीं बनाते? मेरे ससुर के पास इतने पैसे हैं तो वे घर में ही क्यों नहीं रखते? भगवान नामर्द क्यों बनाते हैं? हर बार जब मैं स्कूल से गुजरती हूँ तो मन होता है कि शिक्षक से इन सवालों के जवाब पूछूं, लेकिन मैं शर्मा जाती। अगर मेरा बच्चा होता तो शायद उसके बहाने जवाब पूछ लेती। कजली, ए कजली, कजली, ए कजली, क्या हुआ, क्या सोच रही थी? कुछ भी तो नहीं। देख, बात को टाल मत, सच सच बता, क्या सोच रही थी तू? मैं ये सोच रही थी कि मैं पढ़ सकती तो क्या करती, इन सब कामों से बच जाती तू? हर एक काम से कौन भागता है तो, लेकिन कुछ सवालों के जवाब मिल जाते। अरे तो मेरे बच्चे से पूछ ले या फिर रतवा से पूछ ले। तुम नहीं समझोगी, मुझे उस दुनिया के बारे में जानना है जो हमने कभी देखी ही नहीं। अच्छा ये बताओ, ये भारत कहाँ है और उसमें हम कहाँ हैं? बड़ा आसान है कजली। अच्छा? देख, एक गोला है। हाँ। उसमें भूरे रंग का भारत है, लेकिन कजली उसमें हम नहीं है। चल झूठ। झूठ नहीं, सच बोल रही हूँ, चल स्कूल चल, बताती हूँ अभी तेरे को। अच्छा नहीं नहीं, तुम कह रही हो तो सच ही होगा। अच्छा लेकिन वो गोले में
भूरे रंग में हम है कहाँ? कहाँ ना मुझे नहीं मालूम। एक मिनट। तुम दोनों बच्चू भाई की बहुएं हो ना? जी। बेटी मैं तुम लोगों की बातें सुन रहा था। ये भारत कोई नक्शे का टुकड़ा नहीं है, हमारा देश है। इसका और हमारा रिश्ता दिल और जिस्म के रिश्ते की तरह है। मैं कुछ समझी नहीं। बेटी मैं समझाता हूँ। मान लो ये शरीर भारत है और इसमें धड़कने वाला दिल यानी हम हैं। लगता है तुम लोग स्कूल नहीं गई। अच्छा तो ये सब स्कूल में पढ़ाते हैं? बेटी कम से कम इस बात का एहसास तो जरूर दिलाया जाता है स्कूल में कि हम कौन हैं, हमारा अधिकार क्या है, हम क्या करने की काबिलियत रखते हैं। क्यों बच्चू भाई क्या हो रहा है? चाचा लगता है इलेक्शन नजदीक आ गया। क्यों? बगैर इलेक्शन के नहीं आ सकता मैं? नहीं आ सकते हो लेकिन कभी आते नहीं। ये पंचायत करना बहुत मुश्किल चीज है। अब क्या हो गया? एक बात बोलो। बोलो। तुम दिखाते ऐसा हो जैसे नेता बनना बहुत बुरी बात है लेकिन 5 साल बाद वोट मांगने से नहीं चुकते। बोल और बोल तू, तुझे नहीं समझेगा। अरे छेड़ा पर विश्वास लाया था हमने, हमारे पंचों को ही उठा कर ले गया। लगता है इस बार कोई वोट देने नहीं आने वाला। उससे पूछने आया था दिनेश घर पर है कि नहीं। सुबह तो था आप पता नहीं। आए तो कह देना मेरे घर रुक जाए, ये छेड़ा का कोई भरोसा नहीं है। एक बात बोलूं चाचा? बोल। उनको तो मैं कह दूंगा लेकिन तुम फिक्र मत करो, छेड़ा मुझसे पंगा नहीं लेगा। ठीक है इस बार आऊंगा तो वोट मांगने ही आऊंगा, चलूं? क्या दिन है आज, सारे के सारे लीडर मुझसे ही मिलने आ रहे हैं। नमस्कार छेड़ा साहब। अरे छेड़ा साहब नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बच्चू भाई तुम्हारे जमाने का समय अलग रहा। जब तुम सरपंच थे तो सभी लोग तुम्हारी तरह ही भोले थे। अब देखो दुनिया बदल गई है। दुनिया बदल गई, मुझे भी बताओ क्या बदलाव आया है। अविश्वास का प्रस्ताव जो ला रहे हैं मेरे खिलाफ। ओ, तुम्हारा बेटा दिनेश कहाँ है? वो जहाँ कहीं भी है ठीक है लेकिन तुम कुछ चिंता में लग रहे हो, कहीं उसको उठा लेने का इरादा तो? नहीं नहीं बच्चू भाई आपका बेटा और मैं ऐसे नहीं नहीं मैं तो ये पूछने आया था। जाने दो चलता हूँ, इतने सालों का दोस्ताना है कहे बगैर रहा नहीं जाता। अपने बहू बेटियों को जरा संभाल के रखना। क्यों? तो पढ़ना लिखना पाठशाला जाने के क्रांतिकारी विचार जो है ना वो बढ़ रहे हैं और फुसलाने वाले लोग भी कम नहीं है अपने चाचा जैसे। हाँ ओ मैं चलता हूँ। तो फिर क्या सोचा है आपने? किसके बारे में? रजनी के बारे में। नहीं नहीं वो बहुत महंगी है। महंगी कहाँ, यही भाव चलता है आजकल। अभी मुझे मत सिखाओ, मेरे बगैर वहाँ गए क्यों? अच्छा तो इस बात का रोना है कि आप वहाँ नहीं थे। अब मान भी जाओ इतना पैसा घर में रख कर करोगे क्या? दे दो ना 1000 रुपए। 1000 में तो सस्ती है वरना आजकल तो 5000 लगते हैं जोड़ी के। 5000 जोड़ी के? किसकी बात कर रही हो? भैंस की। अरे हम भैंस की नहीं देवरानी की बात कर रहे हैं। लो अब किसके लिए? ये रतवा के लिए। क्या अब तू तो डॉक्टरनी के पास जाएगी नहीं तो फिर वो करेगा क्या बेचारा? अरे क्या हुआ? सुनो अगर तुम्हारी शादी के लिए मैं हाँ कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे जीने के लिए कोई बहाना तो चाहिए। उसके आने के बाद मुझे पढ़ने दोगे? क्या बात है देवरानी जी, इतनी उदास क्यों आज? कल तक तो बड़ी खुश थी कि पढ़ूंगी और आज अचानक इतनी गुमसुम हो गए।
अच्छा, तेरे और देवर जी के बीच एक हिस्सेदार आने वाला है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये शादी रुकवा दो ये शादी। क्या बात है कजली? मैं इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती कि अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं। लेकिन आखिर बात क्या है ये तो बता। तुम जानना चाहते थे ना मुझे बच्चा क्यों नहीं होता? तो सुनो, ये बात तुम्हारे देवर के बस में नहीं है। क्या? ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ मैं बांझ नहीं हूँ। मैं बांझ नहीं हूँ। दोष तुम्हारे देवर में है। मैं बांझ नहीं हूँ। पिछले 10 सालों से ये जिंदगी जीती आ रही हूँ। सोचा था पढ़ाई में मन लगा लूंगी तो भुला दूंगी अपने आप को, लेकिन नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी और लड़की की बलि नहीं चढ़ा सकती। ऐसा नहीं कर सकती मैं। क्या बात कर रही हो? सच कह रही हूँ, ये शादी रोक दीजिए, नहीं तो एक और कजली पैदा हो जाएगी। नहीं, बहुत देर हो चुकी है, बारात निकलने का समय हो गया है। अब ये मैं मेरी बिरादरी में इज्जत क्या रह जाएगी? अरे पर लेकिन आप... नहीं, मैं लड़की के बाप को 1000 की जगह 2000 दे दूंगा। और देखो, तुम कजली को समझाओ, जो हो गया सो हो गया, अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा तो है नहीं। कल पाठशाला में उसका दाखिला करवा देंगे। कजली पगली,
इस बार इलेक्शन के लिए ही आया हूँ। अब चिंता मत करो, दिनेश ही सरपंच होगा। नहीं नहीं बच्चू भाई, इस बार नियम बदले हैं। इस बार पंचायत में 33% सिर्फ महिलाएं ही होंगी। मुझे एक ऐसी औरत चाहिए जो सरपंच बन सके और पढ़ी लिखी भी हो। कजली, उसका मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, उतर जाएगा। जरा उससे तो पूछ लो। वो तो हाँ कहेगी, रतवा से पूछना पड़ेगा, अगर वो मान जाए तो। तो ठीक है, मैं चलूं? हाँ। आइए आइए छेड़ा साहब, आप मेरे घर आइए आइए। अरे मैं इधर उधर की बातें करने नहीं आया हूँ। चुनाव सर पे हैं, मुझे एक महिला चाहिए जो पंचायत सदस्य बन सकती है। अब आपने जरा सी देर कर दी, अभी अभी चाचा आके गए कजली के लिए। मुझे पता है, मैं दिनेश की औरत की बात करने आया हूँ, उसे कोई एतराज नहीं है, तुम सिर्फ आ कर दो। लेकिन एक ही घर में एक तुम्हारी पार्टी से एक चाचा की पार्टी से, ये कैसे हो सकता है? तो सारे देश में होता है, उसकी चिंता तुम मत करो। चिंता की बात तो है ना, मेरे घर की शांति तबाह हो जाएगी, तो बहुएं लड़ेगी आपस में। फिर भी वो दोनों पंचायत सदस्य बन सकती हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग जगह से चुनाव लड़ेंगी। हाँ हाँ, बात तो सच है, लेकिन ये सरकार ने कैसा नियम बनाया, मुश्किल में आ गए हम। देखो, तुम्हारे बेटे और बहू की इच्छा है तो एक काम करते हैं, हम सब मिलकर निर्णय करेंगे। जल्दी। हाँ हाँ जल्दी, क्योंकि आवेदन पत्र भरने की काली तारीख कल है। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, बाकी तुम समझदार हो। आप फिकर मत कीजिए, वो दिनेश ही सरपंच होगा छेड़ा साहब। ये जा रही है मेरी प्यारी पंचायत की सदस्याएं। सरकार भी अजीब है, 33% की उम्मीदवारी देनी भी थी तो इन गवारों को। चलो छेड़ा भाई, तुम्हारी वकालत कब काम आएगी? भिड़वा दो दोनों मुर्गियों को आपस में। और देख लो मजे लड़ाई के। देख लो। और फिर तालुका के अध्यक्ष तो उन्हीं के वोटों से बनना है। चलो। बाबूजी ने तुमसे बात करने को कहा है। इसीलिए आया हो? हाँ। कहो। सरिता भी तेरे सामने। जानती हूँ। तो तू पीछे हट जा। क्यों? घर के लिए। घर के लिए और क्या क्या करना होगा मुझे अपनी मर्जी के खिलाफ? वैसे कौन से दुख में है तू? अगर तुम ये समझ पाते तो मुझे और क्या चाहिए था। ए, ये तेरा साक्षरता अभियान नहीं है, और तेरी पढ़ाई नहीं सुननी है मुझे। कल जाके चाचा को बोल के आ। मैं पीछे नहीं हटूंगी, हम दोनों पंच बन सकती हैं। और घर को क्या पार्टी का ऑफिस बनाओगी दोनों मिलकर? तो तुम जेठ जी और सरिता को क्यों नहीं समझाते? बापू ने भी तो हमेशा चाचा का साथ दिया है, उन्होंने छेड़ा को मना क्यों नहीं किया? बहस मत कर, जैसा कहता हूँ वैसा कर, नहीं तो वापस भेज दूंगा। तुम्हें डर किस बात का है, मेरे हारने का? हाँ। अरे तो सरिता ही जीत जाएगी ना, पंच तो घर का ही होगा। तुझसे बहस करना बेकार है, जो जी में आए वो कर, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल कर। जाओ जाओ, बड़े हैं इज्जत का ख्याल करने वाले। अपनी इस खोखली इज्जत के लिए तुम मुझे कितने बंधनों में बांधना चाहते हो? मैं सिर झुकाकर बात करूं, गाय बैलों की तरह खेतों में पसीना बहाऊं, और सामने जो भी घास पड़े उसे खाते वक्त अपने माथे पर बल तक ना पड़ने दूं, और जब भी चीख कर ये कहने का मौका आए कि तुम नामर्द हो, तब अपने होंठ सी लूं। और कितने बंधनों में बांधना चाहते हो तुम, कितने? मैं
मैं मुक्त होना चाहती हूँ, आजाद होना चाहती हूँ इस श्रृंखला से। मैं लड़ूंगी, मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगी। परंपरा का बंधन डाल के नारी को घर में रखा, परंपरा का बंधन डाल के नारी को घर में रखा, कजली ने हिम्मत से बढ़कर स्वतंत्रता का स्वाद चखा। मेरे भाई बहनों और माताओं, जैसे कि आप जानते हैं, हर 5 साल बाद पंचायत चुनाव होता है। इसी साल भी पंचायत का चुनाव है। आप मुझे वोट देंगे तो मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। मेरा चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर। पिछले पंचायत चुनाव में आपने मुझे वोट दिया, इसलिए मैं आपकी सेवा कर सका, इस गांव की तरक्की कर सका। शेरा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस गांव में कुएं नहीं है, 1-2 कुएं हैं, मैं उनको और बढ़ाना चाहता हूं। शेरा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजादी मिलके इतने साल हो गए, गांव में बिजली नहीं है, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता। शेरा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं इस गांव में बिजली लाऊंगा। स्कूल के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो रास्ता सही नहीं है, उस रास्ते को मैं सही करना चाहता हूं। अगर आप वोट देंगे तो मैं आपकी सेवा करूंगा, इस गांव की सेवा करूंगा। मुझे सेवा करनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। आप मुझे वोट दे दीजिए। शेरा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा चुनाव चिन्ह है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर। शेरा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी संबंधी भी चुप रहकर, अरे सगे संबंधी भी चुप रहकर देख रहे थे ये सब खेल। कजली भी क्या रंग लाती है, पास होती है या फिर फेल, पास होती है या फिर फेल। थैया थैया ता थे, ता ता थैया थैया ता थे। अनसुनी ये नहीं रहेगी, दहाड़ अब गूंजेगी, एक से अनेक बन जाएगी, फिर ना कभी थमेगी। डरना सादर स्वीकार करना, अब ये नहीं रुकेगी। बाघिनी बनकर घूम रही है, शक्ति स्वरूपा